आज ही बरोज जुमा 14 तारीख को मालेगांव शहर में माजी मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार और आज की सरकार में अपोजिशन लीडर राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार मालेगांव शहर जिनकी आमद आमद होने वाली है और 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, जैसा कि मालेगांव शहर में 7 दिनों से मालेगांव शहर के सीनियर लीडर शेख रशीद साहब का इस्तकबालियाई प्रोग्राम 40 साल का जश्न मनाया जा रहा था, तो वहीं उन्हें इस 40 साल की मुबारकबाद देने के लिए महाराष्ट्र के कई लीडर, कई आमदार, कई खासदार, अपोजिशन लीडर यहां पर आज आने वाले भी है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर जारी है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 3 के सगीर कॉरपोरेटर आसिफ बारदानवाला साहब, शरीफ कच्ची साहब, ऐसे तमाम लोग इस प्रोग्राम की तैयारियों में यहाँ सुबह से ही पेश नज़र आ रहे हैं। और अब देखने को ये मिल भी रहा है कि ये ग्राउंड पूरी तरीके से प्रोग्राम के लिए तैयार हो चुका है और आज शाम में यहाँ पर अजीत दादा पवार की एंट्री होने वाली है। अब देखना ये है कि इस प्रोग्राम में क्या मालेगांव शहर के लिए भी कोई अनाउंसमेंट किया जा सकता है, आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव को लेकर भी क्या अजीत दादा पवार का कोई भाषण यहाँ पर होने वाला है, यहाँ पर कोई भाषण उनका होने वाला है। जैसा कि देख सकते हैं कि इस ग्राउंड में पूरी तैयारियाँ यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों से लेकर हमदर्दों से लेकर तमाम लोग सुबह से यहाँ पर मौजूद है और शाम के प्रोग्राम की तैयारियाँ जोरों शोरों से यहाँ पर जारी है। हो सकता है कि 2 घंटे के अंदर इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से तरतीब दे दिया जाएगा। काफ़ी बैनर भी यहाँ पर लगाए गए हैं। ये हजार खोली नूरबाग चौक का वो इलाका है जो काफ़ी पौश इलाका माना जाता है, काफ़ी मशहूर इलाका है और वहीं पर यहाँ पर प्रोग्राम को रखा गया है। बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड भी यहाँ पर लगाए गए हैं, काफ़ी कुर्सियों का निज़ाम यहाँ पर किया गया है, स्क्रीन भी यहाँ पर लगाई गई है और शेख रशीद साहब के साथ में अजीत दादा पवार और जयंत पाटिल साहब के बड़े बड़े बैनर्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो कई लोग यहाँ से सुबह में से यहाँ के इंतजाम में पेश है, मशरूफ़ है और इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए यहाँ पर अपनी मेहनत भी कर रहे हैं। काफ़ी बैनर्स, पोस्टर्स, यहाँ पर होर्डिंग भी लगाए गए हैं। पूरे इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम आज ही शाम में 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का होने वाला है। इस साइड में भी कुर्सियों का इंतज़ाम किया गया है, माइक दूर दूर तक लगाए गए हैं, स्क्रीन का भी इंतज़ाम है। ये मंच रहेगा जहां पर मेहमान जो आने वाले हैं वो इस मंच से अपना भाषण करेंगे। और जब हम लोग यहाँ पर कुछ दिन पहले आए थे तो ये ग्राउंड पूरी तरीके से, यहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ थी, पानी की डाब जमी हुई थी, काफ़ी गंदा ये ग्राउंड जब नज़र आ रहा था। हम ये सोच रहे थे कि क्या इस ग्राउंड के ऊपर प्रोग्राम कैसे होगा, लेकिन 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर इस ग्राउंड को पूरा चकमचाप कर दिया गया, सजा दिया गया, पूरी तरीके से प्रोग्राम के काबिल बना दिया गया है और काफ़ी लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम में मेहनत कर रहे हैं। तो वहीं महानगर पालिका के अनिल पारके साहब भी यहाँ पर सुबह से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, सनत देवरे साहब, ऐसे तमाम महानगर पालिका के कर्मचारी भी यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और इस पूरे ग्राउंड में साफ सफाई, पाउडर, झाड़ू, ऐसे तमाम स्वच्छता के काम भी यहाँ पर किए गए हैं। आज के जो नूरबाग में संतोष साई जी के पास जो प्रोग्राम हो रहा है, अजीत दादा पवार साहब, जयंत पाटिल साहब, भोजपाल साहब, तो रशीद साहब के इस्तकबालिया में मालेगांव के तमाम लोग भारी एक्सीडेंस से यहाँ पर आए और इस जलसे को कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बाद नमाज मगरिब 7 बजे से जलसा चालू होने वाला है। हम ये अपील करते हैं तमाम मालेगांव शहर के लोगों से कि इस जलसे को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब करें और तमाम ही लोग इस जलसे में आकर
अपनी मोहब्बत का सबूत दे। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 3 के माजी कारपोरेटर सगी टैक्टरवाला साहब और भाविक नगर सेवक अभी जो उम्मीदवारी के दावेदार है आसिफ बारदानवाला साहब, ये भी लोगों से यहाँ पर अपील कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम में मतलब जो तो लोगों का एक बड़ा हुजूम, वैसे तो अपील के बावजूद भी यहाँ पर जिस हिसाब से इंतजाम है और शहर में जो इसका माहौल देखने को मिल रहा है, शायद ये ग्राउंड हमें लगता है कि कम पड़ने वाला है, छोटा पड़ने वाला है। और यहाँ पर हजारों की भीड़ शेख रशीद साहब की मोहब्बत और चाहतों में आने वाली है, ऐसा हमें गुमान भी है। और हम उसको वक्तन फोक्तन जैसे जैसे वक्त गुजरते जाएगा हम इसकी पल पल की खबरें और अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए अब तक न्यूज़। मैं जाबिर शाह आपकी खिदमत में खबरों के साथ हाजिर होता रहूँगा। जय हिंद।